In is decades, Tha Sabsakar Go Thama or Pandra September. Parhai Masti or Gapsha. Jam packed with interaction sessions with all India rankers, India's best faculties, quizzes, scholarship tests, free strategy classes, night out sessions, and Gapsha with faculties, and various fun other activities with mega prizes. And get a chance to win. स्मार्टफोन एलेक्सा स्मार्ट वॉच ईयरफोन एंड मैनी मोर प्राइजेस। हेलो एवरीवन, यस गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम दैट एसबुक माय नेम इज सेतवारी एंड होप यू आर डिंग वेल चलिए गाइस, सो दोपहर के बज चुके हैं एक और सभी को मालूम है कि वन पर हमारा डेली होता है ई और जय के लिए एक प्रैक्टिस सेशन का सीरीज। सो so, सभी का वेलकम करता हूँ मैं आज के सेशन में सभी को नमस्कार चलिए जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जल्दी से फटाफट बताइएगा विकास कविता यस वेरी गुड गुड आफ्टरनून सुज आप सभी को मालूम ही होगा कि इस समय टेक्स बुक प्लेटफॉर्म पर एक इंजीनियरिंग कार्निवल गोइंग ऑन है और याद रखेगा ये दो दिन तक एक बहुत ही बेहतरीन आपका सेशन चलने वाला है सो टेक्सट बुक पर बहुत सारे इवेंट बहुत सारे क्लासेस बहुत सारे क्विज सेशन प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं और आपके पास बेहतरीन मौका है याद रखिएगा वन ईयर का फ्री सुपर कोचिंग पास लेने का ठीक है हाफ ईयर का भी सुपर कोचिंग पास लेने का uh, आप एलेक्सा जीत सकते हैं वॉच जीत सकते हैं मोबाइल फोन जीत सकते हैं हेडफोन जीत सकते हैं ठीक है सो दे आर वेरियस ऑफर तो इस इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा आप लोग ठीक है ठीक है सभी सो so, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की और जैसा कि सभी को मालूम है कि हम लोग इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने जाते हैं यस yes, मुकेश टेक्निकल विलन सभी का स्वागत ठीक है सो भाई आज का जो सीरीज है इस सीरीज का नाम याद रखिएगा कि ये सीरीज है याद रखिएगा दैट इज नंबर 32 ठीक है और अभी तक हम लोग टोटल थर्टी जो सेशन है ऑलरेडी आपके कवर कर चुके हैं ठीक है सो दैट इज अ थर्टी नंबर सीरीज तो इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में ज्वाइन करते रहिएगा ठीक है so, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सभी को मालूम ही होगा कि जो टेक्स्ट बुक की मास्टर क्लास है याद रखिएगा ये रोज होती है मंडे टू फ्राइडे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं थ्री पी एम पर सो so, आज भी जुड़िए और अगर आज आप बेहतरीन परफॉर्म करते हैं यानी कि आज के सेशन में अगर आप टॉप फाइव में आ जाते हैं तो आपके पास भी बेहतरीन प्राइज जीतने का मौका है ठीक है so, सो आई होप की सभी लोग तैयार हैं और शुरू किया जाए हम लोग स्टार्ट करें आज के सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं ठीक है चलिए सो स्वायूब की एवरी वन इज कनेक्टेड और देखते हैं हम लोग कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है ठीक है चलिए गाइज सो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा यश नीतू वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून चलिए जरा बताइएगा गाइज पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है सो वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर इसका राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बताना है चलिए चलेगा तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अगर हम लोग बात करने जाए तो इसका हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे यस दैट इज अ ऑप्शन हाँ दैट इज अ ऑप्शन हाँ इसका देख लेते हैं हम लोग कि राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हैजटन बीन रेफर्ड टू एज इट्स कॉन्सियस तो किसको हम लोग बोलते हैं तो दैट इज आ ऑप्शन यस मैक्सिमम लोगों ने टिक कर दिया ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर तो फंडामेंटल राइट बोला जाता है ठीक है तो इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे दैट इज अप्शन एक सेकेंड इज करेक्ट फंडामेंटल राइट सभी मालों में कि पार्ट थर्ड में परिभाषित हैं बारह से लेकर के पैंतीस तक परिभाषित किए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं सो आई होप की मालूम है कि यूएसए से लिए गए हैं और टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं सिक्स है ठीक है थीके? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस ठीक है तो पहला जो कंप्यूटर माउस है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था डगलस एंजल बर्ड के द्वारा ठीक है पहला ऑप्शन दूसरा है चार्लिस बैबेज के द्वारा तीसरा है एलन के, के द्वारा और चौथा है टेड नेल्सन के द्वारा सो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस ठीक है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है डगलस एंजल बर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो ऑप्शन वन इज राइट ऑप्शन वन इज राइट अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधान मंडलों को उस राज्य की राजभाषा के रूप में हिंदी या किसी अन्य भाषा को राजभाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है सो so, लैंग्वेजेस की बात चल रही है और आप सभी को मालूम है कि आज हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी भाषा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो पार्ट 17 में ये परिभाषित है और एट्थ शेड्यूल में परिभाषित है तो आठवीं अनुसूची और सत्रवा भाग और आपको मालूम है टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं बाईस लैंग्वेजेस हैं ठीक है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है आर्टिकल थ्री फोर्टी फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल थ्री फोर्टी फाइव इज द राइट आंसर ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है लॉ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गवर्नर या अध्यक्ष सो द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट ऑफ इंडिया इज डन इन कंसल्टेशन देखो ये सभी को मालूम है कि अगर हम लोग बात करने जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी जो नियुक्ति करता है ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा दीज आर अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट तो यहाँ पर जो नियुक्ति देखता है वो कौन देखता है वो राष्ट्रपति देखता है ठीक है और सुप्रीम कोर्ट तो आपको मालूम है 124 के तहत है और हाईकोर्ट टू वन फोर के तहत है ठीक है लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं जिला न्यायाधीशों की और जिला न्यायाधीश है आर्टिकल टू थर्टी थ्री के तहत तो इनको जो अपॉइंट करेगा वो याद रखेगा कौन करेगा अपॉइंट बाई गवर्नर ठीक है तो अपॉइंट तो गवर्नर करता है लेकिन इनका जो ओथ होता है वो कौन लेता है रिस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च विच गैस इन दिफोर अनुसंसाधनों के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है जीनॉन की पहला ऑप्शन है ठीक है दूसरा क्रिप्टॉन की तीसरा है रेडॉन की और चौथा है हीलियम की तो इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आ... चलिए पंकज मुकेश नीतू बहुत सारे लोग हैं सो चलिए चलेगा इसी तरीके से आंसर करते रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते जरूर चले जाएं ठीक है सो एक बार सेशन को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ दोबारा लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है रेड ऑन इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पर मिस्टर डोंग आ चुके हैं डोंग बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे तो जिन्होंने अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया जरूर कर दे और आप देख रहे होंगे कि इस समय टेस्ट बुक जो इंजीनियरिंग कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है उसमें पैंतीस हजार से ज्यादा लोग कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लगभग चार लाख लोगों के पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है तो आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वॉज फॉर्मली नोन है तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था ठीक है उत्तर आर्यन यस वेरी गुड आफ्टरनून देखिए उत्तर प्रदेश आपने मालूम पढ़ा होगा कि दो चीजें से हम लोग देखते हैं एक हम लोग देखते हैं बिफोर आप देखते हो 1956 1956 से पहले और फिर देखा जाता है आफ्टर 1956 क्योंकि 1956 में क्या हुआ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या हो गया स्टेट्स हो गया ठीक है राज्यों का दोबारा से पुनर्गठन हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपने देखे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बने भाषा के आधार पर और पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं थे ठीक है तो अगर शुरुआत में हम लोग देखने जाएं तो किस बेसिस पे थे एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस तो ये जो थे याद रखेगा प्रशासन की सुविधा के आधार पे थे अब प्रशासन की सुविधा के आधार पर जो यूपी का पुराना नाम था वो क्या था यूनाइटेड प्रोविंस ठीक है जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि Uh, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है साउथ uh, अफ्रीका है ऑस्ट्रेलिया है चिली है या फिर पॉलिनेशिया है सो so, आप इसमें uh, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट सो विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द साउद मोस्ट लैटिट्यूड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया चिली या पॉलिनेशिया और इसमें से जो राइट right आंसर हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ अ ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है चिली इज द राइट आंसर तो इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है तो इंडिया में हम लोग जब टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करते हैं कि टोटल कितने प्रकार के लोक नृत्य है तो टोटल आठ क्लासिकल डांस फॉर्म पढ़ते हैं यस राहुल जय हिंद नमस्कार स्वागत तो हम लोग आठ टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म पढ़ते ठीक है तो इसमें आपको बताना है कल्बेलिया है ठीक है पहला दूसरा कथकली है तीसरा उड़ीसी है या फिर चौथा कथक है सो इसमें से राइट आंसर क्या होगा तो सभी को मालूम है कलवेलिया और कलवेलिया कहाँ से जुड़ा हुआ है दैट इज रिलेटेड टू द राजस्थान ठीक है तो ये याद रखेगा राजस्थान से है और ये क्लासिकल डांस नहीं है इट इज अ याद रखिएगा इट इज अ ये क्या है आपका इट इज अ फोक डांस ठीक है तो ये एक प्रकार का फोक डांस कैटेगरी में आता है ठीक है अगला सवाल है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो so इसमें से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ और ये किसका एक अभिन्न अंग है तो इसमें से जो सही आंसर है पार्लियामेंट इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन वन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन से पूछा गया है देखो पार्लियामेंट तो आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल सेवेंटी नाइन कहता है कि देर शुड बी अ पार्लियामेंट और उसके तीन अंग होते हैं और ये जो तीन अंग होते हैं उसमें से एक होता है राष्ट्रपति एक हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति दूसरे ऑलरेडी आपको कौन सा मालूम है लोकसभा और तीसरा कौन सा होता है राज्यसभा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में व्यक्तिगत सत्याग्रह को मंजूरी देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो सबसे पहले शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे और जो सेकंड पर्सन थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है तो देखो मंजूरी देने वाले जो थे वो तो अबुल कलाम आजाद लेकिन ये जो सबसे पहले किया गया फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया वो थे कौन से आपके विनोबा भावे तो याद रखिएगा ये करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया और सेकंड जो थे वो याद रखिएगा पंडित जेएल नेहरू ठीक है पंडित जे नेहरू लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि अप्रूवल देने वाले कौन व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उसमें अबुल कलाम आजाद के साथ जाएंगे ठीक है तो अप्रूवल अबुल कलाम आजाद ने लिया लेकिन सबसे पहले जो किया था वो किसने विनोबा भावे ने और दूसरा किया जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉम्बिनेशन इज नॉट अडोप्टेड मिक्स क्रॉप क्रॉपिंग इन इंडिया तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल संयोजन मिश्रित फसल नहीं है तो व्हीट एंड मस्टर्ड है व्हीट एंड चिकपी है राइस एंड ग्राउंड नट है ग्राउंड नट एंड द सनफ्लावर तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दट इज अप्शन यस थ्री इज द राइट आंसर राइस एंड ग्राउंड नट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंडमान और निकोबार में पहली यूरोपीय कॉलोनी स्थापित की थी अंडमान निकोबार आप सभी जानते हैं अरब सागर में स्थित है और टोटल uh, सॉरी बंगाल की खाड़ी में स्थित है फाइव सेवेंटी टू टोटल आईलैंड है और इसकी कैपिटल सभी को मालूम है कि इसकी अगर कैपिटल की मैं बात करने जाऊं तो इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है तो इसमें इंग्लैंड होगा ठीक है फ्रांस होगा डेनमार्क होगा या फिर स्पेन होगा और इसमें जो सही में जो करेक्ट आंसर है वो कौन है डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो याद रखेगा ये इसका कैसा है राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन थ्री इज करेक्ट अगला क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम हिरोसिमा विच वॉज द अदर सिटी ऑन विच आ न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो इसमें आपने फैट बॉय और लिटिल सॉरी इसमें आपने फैट मैन और लिटिल बॉय का नाम सुना होगा ना तो दो जगह फीका गया था एक जगह सिक्स अगस्त और एक जगह नाइन्थ अगस्त ठीक है तो ये डेट तो याद रखनी है ना एक जगह कहाँ पे था अगस्त 1945 और दूसरा था नाइन्थ अगस्त 1945 तो so, ये जो फेंका गया था किस लोकेशन में हिरोशिमा <coughs> और दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा है नागा के ठीक so, है सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर ठीक है और डेट क्या याद रखेंगे नाइन्थ अगस्त 1945 और बॉम्ब नेम कभी पूछा गया तो बम का नाम याद रखेगा दैट वॉज द फैट मैन ठीक है हाँ अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ देखोगा यहाँ पर एक अपडेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के आ, ये जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं और इस समय मोर देन ट्वेंटी फाइव टूपर सुपर टीचर्स के द्वारा सेवनटीन प्लस वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं सो ज्वाइन कीजिए इन सभी कोर्सेज को साथ में बहुत सारे मॉक टेस्ट और स्टडी पी डी एफ नोट ठीक है ये एक्स्ट्रा चीजें हैं और डेली आपको वन टू वन इंट्रैक्शन सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ठीक है सो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ और साथ में यूज कर सकते हैं कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम एनरोलमेंट ठीक है हाँ फैड बॉय और लिटिल मैन राहुल ठीक है दोनों के नाम याद रखिएगा दोनों के जो पूछे जाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेन डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन कमिंग टू फोर्स तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ एक अप्रैल 1961 में 11 मार्च 1961 में 5 जुलाई 1961 में या फिर 23 अप्रैल 1961 में और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है थर्ड इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर और ये है फिफ्थ जुलाई नाइनटीन अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज लोकेटेड हुई तो ये मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है क्योंकि आपको मालूम है कि सोयाबीन के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश है वो टॉप पोजीशन में पर है चाहे दालों के उत्पादन में देखो चाहे सोयाबीन के उत्पादन में देखो और ये कहाँ पर स्थित है आपका इंदौर में और इंदौर आप सभी को मालूम है कि लगातार पाँच छठवीं और सातवीं बार भी हमारा मोस्ट क्लीन सिटी जो है भारत में रजिस्टर किया जा रहा है ठीक है मोस्ट क्लीन सिटी के तौर तो पर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट डाटा इज कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार भारतीय जलवायु डेटा की गणना वर्षों की अवधि में की जाती है पच्चीस है तीस है पैंतीस है या फिर चालीस और इसमें से जो राइट आंसर होगा दर इज ठीक है यस सेकेंड इज द राइट आंसर क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक जो आपका क्लाइमेट होता है और एटमॉस्फेयर दोनों में अंतर होता है एटमोसफियर में हम लोग डे टू डे डाटा की बात करते हैं और क्लाइमेट में हम लोग क्या करते हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड का पार्ट लेते हैं आपने सुना होगा कि भाई हम लोग बोलते हैं कि भाई आज एटमोसफियर बहुत अच्छा आज है आज मौसम बड़ा सुहाना है मौसम का मतलब कैसा होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए काउंट करते हैं डे टू डे जो चेंजेस होते हैं उसके लिए काउंट करते हैं लेकिन बोलते हो भाई हमारे यहाँ का जो आ, मतलब क्लाइमेट है ये पर्टिकुलर बहुत अच्छा है बेंगलुरु का क्लाइमेट पुणे का क्लाइमेट बहुत अच्छा है ठीक है तो ये एक लंबे टाइम पीरियड के बेसिस पे होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संगम युग के दौरान प्रथम संगम और द्वितीय संगम दोनों से जुड़ा है तो जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तोल का पीएम अगस्तिया नकीरा ठीक है या फिर शीतले सतनार और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकंड इज द राइट आंसर अगस्त इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगस्त इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला क्वेश्चन है क्रोन इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाँ आपने वो दिखा होगा ठीक है यूपी में भी कई जगह दिखाई दी थी ठीक है तो एक्चुअली उसके बारे में कुछ अपडेट भी पढ़ा होगा आपने डिटेल में कई देशों में देखी जा चुकी है और ख़ासतौर से आपने देखी होगी कि एक स्पेशल जो लाइट्स है आ, ये जो आज के समय में एलन मस्क का जो स्टार प्रोजेक्ट है उससे भी जुड़े हुए वो दिखाई दे रहे हैं ठीक है थीके? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर ठीक है डेनमार्क इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है डेनमार्क इज द करेक्ट ऑप्शन तो डेनमार्क हो गया नॉर्वे हो गया

तीन बार भारत के आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं ठीक है थीके? तो आ, काफी फेवर फेमस पर्सन है और ये एक ही व्यक्ति है जिनका दा, नाम क्या है दादा भाई नौरोजी ठीक है सो ऑप्शन फोर इज राइट ऑप्शन फोर इज राइट अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली तो निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटें हैं महाराष्ट्र है आंध्र uh, प्रदेश है उत्तर प्रदेश है या वेस्ट बंगाल सो so, आई होप की आंसर बहुत क्लियर सी बात है कि उत्तर प्रदेश है मैक्सिमम आपके विधानसभा सीट्स भी हैं क्योंकि भाई पॉपुलेशन के आधार पर लिया जाता है ना ठीक है तो विधानसभा सीट्स भी सबसे ज़्यादा होंगी और लोकसभा तो आपको मालूम ही है कि लोकसभा की अगर मैं बात करने जाऊं तो लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है अस्सी है और राज्यसभा की अगर मैं बात करने जाऊं ठीक है कभी पूछ लिया गया कि जो है वो राज्यसभा कितनी है तो राज्यसभा याद रखिएगा दैट इज आर थर्टी वन तो थर्टी वन राज्यसभा से और लोकसभा से अस्सी थी, ठीक है अगला सवाल है कि आसाम हिमालया आर पार्ट ऑफ द हिमालया दैट लाई बिटवीन विच रिवर तो आसाम हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है देखिए अगर हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो हिमालय का आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पढ़ते हो एक पढ़ते हो आप सबसे पहला जो होता है वो कौन सा पंजाब हिमालय ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब हिमालय देखा जाए तो दो नदियों के बीच में पाया जाता है एक सिंधु नदी और दूसरा याद रखिएगा कौन सा है सतलज तो एक सिंधु हो गया और दूसरा कौन सा हो गया सतलज रिवर इनके बीच में फिर इसके बाद रहता है आपका कौन सा कुमाऊँ हिमालय कुमाऊं की अगर मैं बात करने जाऊं तो याद रखिएगा एक कौन सा है सतलज और सतलज के बाद रहता है कौन सा काली नदी ठीक है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं ठीक है थीके? काली रिवर अच्छा फिर रहता है कौन सा नेपाल हिमालय अब ये जो नेपाल हिमालय पाया जाता है ये काली रिवर और दूसरा कौन सा है तीस्ता रिवर ठीक है अच्छा और फिर हम लोग बात करने जाए फिर आता है 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 हिमालय हिमालय तो ये जो आसाम है, ये जो पाया जाता है किसके बीच में आप तीस्ता की बात करोगे और तीस्ता की बात जो रहता है जो दैट इज अ दिहांग जॉर्ज ठीक है दिहांग जॉर्ज तो पूछा कौन सा गया है आसाम हिमालय तो तीस्ता और देहांग तो जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है ऑप्शन सेकेंड इज राइट सेकेंड इसमें राइट होगा भाई इतने सारे लोग गलती क्यों कर रहे हैं गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सो बी करेक्ट है इसका बी करेक्ट है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ नॉट अ हिमालयन रेंज तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रृंखला नहीं है अब इसमें से हिमालय श्रृंखला देखो शिवालिक पीर पंजाल ठीक है ये सब आपको मिल जाएंगे ठीक है पीर पंजाल हो गया शिवालिक हो गया धौलाधार हो गया सतपुड़ा वाला पार्ट यहाँ पर मिलेगा तो आप इसमें से किसके साथ जाएंगे सो आई होप कि सभी को मालूम है कि राइट आंसर ऑप्शन वन इज करेक्ट और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हम लोग देखते हैं वो भी कई बार पूछी जाती है कि इसके सबसे हाईएस्ट uh, पीक का नाम बताएगा सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएगा जिसका नाम क्या है धूपगढ़ uh, ठीक है तो याद रखिएगा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ अगला सवाल है कि हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस तो नोबल गैसों की श्रेय का खोज किसे दिया जाता है हेनरी बेकरल है विलियम जोहान uh, 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 या फिर गुस्ताव करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट याद रखिएगा विलियम रैमसे इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट अगला क्वेश्चन है कि कोनार्क व्हिच हैज फेमस सन टेंपल विच वंडरफुल स्पेसीमैन ऑफ हिंदू आर्किटेक्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ कनार्कसन टेम्पल जो आपको दस रुपए की करेंसी में भी मिलता है दस रुपए की करेंसी में निम्नलिखित तो में से किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है तो हम लोग कुनार्कसन टेम्पल की बात कर रहे हैं निम्नलिखित तो में से कितने रुपए की करेंसी में आपको यह मिल जाता है तो ये उड़ीसा में स्थित है और जो आप दस रुपए की करेंसी देखते हैं उस दस रुपए की करेंसी में ये आपको मिल जाता है, ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल ट्रेजरी? तो ये घटना घटी थी 1984 में और बहुत ही खतरनाक घटना थी तो आपको मालूम होगा कि रात में बहुत सारे लोग सोते रह गए हजारों लोगों की डेथ हो गई थी है ना? और कौन सी गैस का रसा हुआ था तो ये जो गैस का रसा हुआ था जो जहरीली गैस थी जिसने कई सैकड़ों लोगों की मौत का काल बन गई दैट इज अवाज द इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज राइट अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो आपने पढ़ा होगा जो एच है एच होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है uh, जो पब्लिश किया जाता है ये किसके द्वारा ये किया जाता है यू एन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और अभी हाल ही में 2022 का भी ये पब्लिस किया गया है ठीक है और 2022 का पब्लिश किया गया उसमें इंडिया की रैंक कितनी है तो अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करने जाऊँ तो हमारी रैंक बिल्कुल ख़राब होती जा रही है वन है जो नॉर्वे है स्विट्जरलैंड है इन सब की रैंक बेहतर होती चली जा रही है. तो अभी हमारी रैंक है वन हम लोग एक पायदान और ख़राब इसमें हो गए ठीक है थीके? तो देखो इसमें स्टैंडर्ड इस ऑफ लिविंग तो देखते हैं हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखते हैं ठीक है ठीके? का आयाम नहीं है तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये वन भी तो नहीं है नॉलेज भी नहीं है ठीक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है ठीक है सॉरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आप कह सकते हैं ये भी नहीं है तो एक्चुअली में इसमें जो मुख्य चीजें होती हैं वो आप देखो क्या क्या देखते हो सबसे पहले तो देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है दूसरा आपका देखा जाता है एजुकेशन ठीक है लिटरेसी को भी देखा जाता है फिर उसके बाद देखा जाता है पर कैपिटा नेशनल इनकम ठीक है पर कैपिटा नेशनल इनकम तो ये जो प्रमुख है दीज आर द पैरामीटर्स ठीक है दीज आर द प्रमुख पैरामीटर ठीक है तो आई होप की आ, ये सभी को मालूम होगा ठीक है सतपुड़ा में जो आप देखते हो वो मध्य प्रदेश वाला भाग देखते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी तो भारतीय क्षेत्र का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो दक्षिणी बिंदु पूर्वी बिंदु और उत्तरी बिंदु ये आपको पूछे जाते हैं तो उत्तरी बिंदु में आप किसको पढ़ते हो इंदिरा कॉल को तो इंदिरा जो कॉल है ये सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पर आप किसको पढ़ते हो कन्याकुमारी तो अब दो तरीके से पूछना पड़ेगा कि आप मतलब मैनलैंड में पूछने जा रहे हो या फिर किस में ये आपका कौन सा है गौर मोटा तो ये गुजरात में पड़ता है आपका कौन सा दैट इज अ गौर मोटा और ये पड़ता है आपका कौन सा किबथू तो किबू याद रखिएगा जो किबथ है वो कौन सा है सबसे उत्तरी पॉइंट है ठीक है उत्तरी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ठीक है अरुणाचल प्रदेश में सबसे नॉर्दर्न पॉइंट किफ्तू सबसे वेस्टर्न पश्चिमी पॉइंट गौरमोटा गुजरात सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है इंदिरा कॉल्स ये पड़ता है आपका बिल्कुल टॉप पे ठीक है लद्दाख में और सबसे जो दक्षिणी है वो कौन सा है कन्याकुमारी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन अच्छा पूछा गया है कि मेन पॉइंट इन द इंडियन टेरिटरी तो इंदिरा जो पॉइंट पड़ता है ये पड़ता है नियर याद रखेगा अंडमान निकोबार और ये पड़ता है आपका लैंड में तो कन्याकुमारी जो है ये लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है और जो इंदिरा पॉइंट है याद रखेगा नियर अंडमान एंड निकोबार ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है पेड़ की निम्नलिखित भागों में से किसका उपयोग पेड़ की आयु की गणना के लिए किया जाता है जब हम लोग देखते हैं ना किसी पर्टिकुलर फॉसिल्स का हम लोग एज पता करते हैं तो आपने देखा होगा कि पेड़ में जो सर्कल्स बने होते हैं तने में उसका हम लोग पता करते हैं ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर तो ये देखा जाता है कि भाई ये जो पेड़ है इसमें ये जो आपका ये वाला पार्ट है ठीक है सर्कल्स वाला पार्ट तो इसमें सर्कल्स कितने बने हुए हैं ठीक है ये कितना पुराना है तो इस तरीके से पता करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा गया कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ कन्याकुमारी का कोऑर्डिनेट uh, एट डिग्री एंड इंदिरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिक्स डिग्री होगा ना हाँ ये आप बोल सकते हो ठीक है ये आप कह सकते हो इस तरीके से तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर एंड इज द राइट आंसर ठीक है सो तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगला क्वेश्चन है कि यूरी गागरेन वाज द फर्स्ट कॉस्मोनाइट टू रीच इन द स्पेस वॉज फ्रॉम द विच कंट्री तो यूरी गागरेन सबसे पहले व्यक्ति थे जो निम आसमान में स्पेस में पहुंचे और फर्स्ट इंडियन की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आप सभी जानते हो प्रथम जो इंडियन थे उनका नाम राकेश शर्मा साहब था जो सबसे पहले आपके अंतरिक्ष की यात्रा की है ठीक है so, सो अंतरिक्ष की सबसे पहले यात्रा करने वाले व्यक्ति भारतीय राकेश शर्मा और सबसे पहले विश्व में जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था दैट वॉज द यूरी गागरेन कहाँ से थे रसिया से ठीक है अगला क्वेश्चन है कि जो तुंग भद्रा अभ्यारण है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है अच्छा अब देखो तुंग भद्रा हम लोग एक रिवर भी तो पढ़ते हैं और ये जो तुंग भद्रा रिवर है ये सहायक नदी है किसकी कृष्णा की अब आई होप कि आपको बहुत क्लियर होना हो जा, जाना चाहिए कि जो कृष्णा है वो कहाँ पर स्थित है ठीक है और इसका मैक्सिमम लोग जो है राइट आंसर लिख रहे हैं दैट इज अ कर्नाटक सो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द पी एम किसान स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री जो पीएम किसान योजना को लागू करने वाले या फिर कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अगला सवाल है कि इन विच क्लासिकल डांस फ्रॉम गोटीपुआस आर एसोसिएटेड तो ये जो गोटीपुआ है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है कथकली से कुछपुड़ी से उड़ीसी से या फिर मोहिनी अट्टम से ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे इसमें वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है उड़ीसा इज द राइट आंसर अगला सवाल है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्प्रायर रूल द नंबर ऑफ हिंदूज एम्प्लॉय बाय द एम्प्रायस एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हाईएस्ट तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान प्रशासन में हिंदू कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी uh, हुमायूं है ठीक है अकबर है शायद जहां है या फिर औरंगजेब है ठीक है सुजरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और सबसे अधिक जो संख्या हम लोग देखते हैं वो औरंगजेब के समय में थी ठीक है औरंगजेब के समय में अकबर के समय में नहीं है याद रखिएगा आप ये कह सकते हैं कि अकबर के समय में जो नौ रत्न थे उन नौ रत्नों में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या देख सकते हैं लेकिन जो अधिकारियों के आधार पर अगर मैं देखता हूँ कर्मचारी के आधार पर देखता हूँ तो औरंगजेब के समय में थे ठीक है तो सबसे अधिक कर्मचारी के तौर पर औरंगजेब के समय पर और नौ रत्नों में जो हिंदू थे वो अकबर के समय पर ठीक है अगला सवाल है कि इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिस्ड बाई तो जो इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशित कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आई एस आई इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ठीक है वन इज करेक्ट ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ठीक है लेपचास ट्राइब इज फाउंड तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपचा जनजाति पाई जाती है आसाम में मणिपुर में मिजोरम में या फिर सिक्किम में ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या होगा तो ये जो जनजाति पाई जाती है सिक्किम में ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट सिक्किम गंगटोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1975 में इसका क्रिएशन हुआ था और आपको मालूम है कि ये ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का ठीक है सबसे प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट है और सबसे कम जनसंख्या वाला भी राज्य है भाई तो लीस्ट पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इज इफेक्टिव फ्रॉम तो भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावित की गई थी ठीक है निम्नलिखित में से किस ईयर में तो 26 जन 2001, 15 अगस्त Uh, 26 जनवरी 2002, 26 uh, क्या पूछा गया है जनवरी uh, 2003. तो देखो इसमें से जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट छब्बीस जनवरी टू थाउजेंड टू इज राइट ठीक है अगला सवाल है कि इन विच आर्टिकल द प्रोविजन फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर इज प्रोवाइडेड अनुच्छेद 169 है 165 है 163 है या फिर 173 है ठीक है ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर कैसा होगा देखो दोस्तों अगर हम लोग इसमें बात करने जाएं तो ये जो होता है 163 होता है ये स्टेट जो होती है एग्जीक्यूटिव से जुड़ा होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग बात करते हैं और 169 हो गया 170 हो गया ये स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा है स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधायिका इन सब के बारे में बात करेंगे वो वन में कौन होता है एडवोकेट जनरल तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट बोल रहा है कि विच आर्टिकल द प्रोविजंस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट एंड एडवाइस ऑन द गवर्नर इज प्रोवाइडेड सो दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है थ्री इज द राइट आंसर और अगर आप इसी में सीएम के बारे में बात करना चाहते हैं तो वन हो जाएगा ठीक है और वन में एडवोकेट जनरल की बात की जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि हु इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इन द साउथ इंडियन पेनिसुला तो भारतीय दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है पांड्या पल्लवा होशल या फिर चोलाज और इसमें जो सही आंसर होगा दर इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है पलवाज इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तेरे इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय अर्थ शास्त्री थे डेविड रिकार्डो जे एम किंग्स जोसेफ आ, पूछा गया है कि पीटर या फिर वन एंड टू तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है डेविड ठीक है रिकार्डो इज द राइट आंसर ऑप्शन वन इज करेक्ट अगला सवाल है कि द फैक्टर विच नॉट अफेक्ट क्लाइमेट इज तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करते हैं तो ये लैटिट्यूड है डिस्टेंस फ्रॉम सी है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ है और इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा रोटेशन ऑफ अर्थ इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट अगला सवाल है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सरकी डायनेस्टी तो सरकी डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौन था तो मलिक उल सर्क था महमूद शाह फिरोज शाह है या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है सरकी डायनेस्टी के संस्थापक पूछे गए हैं और इसमें देखो हम लोग सर्की डायनेस्टी के संस्थापक में अगर हम लोग देखने जाएं तो वो थे मलिक उल सर्क इज द राइट आंसर ऑप्शन इज करेक्ट ठीक अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान ऑब्जर्व द शॉर्टेस्ट डे तो सबसे छोटा दिन हमको निम्नलिखित में से किस ग्रह में देखने को मिलता है गाइस जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी भी सेशन को लाइक करके अटेंडेंस मार्क नहीं की है सो एक बार जल्दी से फटाफट लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर कर दें कोई ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर जुपिटर तो जो हमारा सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है साइज में ठीक है दैट इज आर जुपिटर जिसका सैटेलाइट जाइनामीड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसी में सबसे छोटा दिन देखा जाता है अगला क्वेश्चन है मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी तो मुगल की स्थापना कब होती है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से तो आपने पहला बैटल सुना होगा पानीपत का तो ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में उसी के बाद भारत में मुगल सम्राज की नींव डल जाती है तो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया बाबर हुमायूं इब्राहिम लोधी या फिर अकबर और इसमें जो सही आंसर टिक करेंगे दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है सो बाबर इज द राइट आंसर ठीक है बाबर इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम है रोहित जी एट द रेट टेक्स बुक ठीक है तो सर्च करिएगा कैपिटल लेटर्स में book, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ठीक है अगला इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन थ्री स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश कौन सा है ठीक है कंज्यूमर पूछा गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर चाइना है यूएसए है जापान है या फिर सऊदी अरेबिया और कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करने जाएं तो जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो कौन सा है दैट इज आई यूएसए ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है ऑप्शन सेकंड इज राइट अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने तेज स्थाई और समाविकीसी विकास पर जोर दिया तो कौन सी एफ थी जिसमें आ, हम लोगों ने किस पे फोकस किया एम्पोसाइज ऑन फास्ट फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ तो अभी तो इस समय आपकी जितनी भी एफ हैं ये बंद हो चुकी हैं और नीति आयोग इस समय काम कर रहा है सबसे पहला एफ 1951 में शुरू हुआ था जिसको हम लोग हैरथ डॉर्मर मॉडल बोलते थे सेकेंड एफ 1956 से लेकर 61 तक गया जिसको हम लोगों ने पीसी सी महालनोवस मॉडल बोला और उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड एफ 61 से लेकर के 66 तक जिसको गैडगिल योजना के नाम से जानते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो है याद रखिएगा दैट वॉज द लास्ट एफ तो ये आ, सबसे आखिरी आप कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना थी और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2012 से लेकर के 2017 तक है ठीक है सो इसमें जो सही आंसर ऑप्शन सेकेंड अगला सवाल है कि द ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट इज लोकेटेड एट तो ग्रेट विक्टोरियन जो डिजर्ट है ये कहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में इजिप्ट में या फिर नॉर्थ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इजिप्ट या फिर नॉर्थ अफ्रीका और इसमें जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच इज इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जी है एस है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है या फिर आईसीआईसीआई और जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यू टी आई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थ्री एस्टेब्लिशमेंट है हेडक्वार्टर uh, हम लोग बात करने जाएं तो मुंबई है और आपने देखा होगा कि इसी को बाद में 1994 में इसी की जगह पर एक और ऑर्गेनाइजेशन आया दैट वाज द एक्सिस बैंक ठीक है अगला सवाल देखते हैं कि डब्ल्यू 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 ठीक है ट्रिपल डब्ल्यू का ये फुल फॉर्म क्या है और ये एग्जाम का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सो so, आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे दैट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है अगला सवाल कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आपकी क्या उम्र होनी चाहिए देखिए अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो 18 साल की जरूरी है शादी करना चाहते हैं तो आज के समय में तेईस लड़के की और लड़की की इक्कीस हो गई है पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 तो पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं तो 21 चाहिए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं गवर्नर बनना चाहते हैं उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो पैंतीस साल चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो तीस साल चाहिए और लोकसभा और विधान जो सभा होती है उसके अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ट्वेंटी फाइव ये पंचायत की बात चल रही है सो ऑप्शन सी इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट ऑफिस दैट एन आईपीएस ऑफिसर कैन होल्ड तो कैबिनेट सेक्रेटरी हमने पढ़ा था किसके लिए होता है कैबिनेट सेक्रेटरी जो आई के थ्रू एंट्री पाते हैं और इसमें जो हाईएस्ट पद होता है वो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक है सो तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में निष्कासित किया गया संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार तो ये था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट ठीक है आयोज की सभी को मालूम होगा और संपत्ति का अधिकार कौन सा था आपको मालूम होगा आर्टिकल थर्टी वन तो आर्टिकल थर्टी वन रिमूव हो गया और अब कौन सा हो गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए तो अभी ये कौन सा हो गया है दैट इज अप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है द फेमस इंडिया गेट इन न्यू डेली वॉज डिजाइंड बाई तो इसका नाम किसके द्वारा किया गया दैट इज एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर ऑगस्टस और या फिर जॉन नेश इंडिया गेट राजपथ जिसका नाम बदल दिया गया है कर्तव्य पथ हो गया है और साथ में आपको यह भी मालूम होगा कि एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है एडमिन लुटियंस तो न्यू इंडिया गेट भी कह सकते हो और प्रेसिडेंट हाउस भी कह सकते हो ठीक है तो याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट हाउस है ये भी इनके द्वारा ही डिजाइन किया गया है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी तो आई तो आप सभी जानते हैं एना जॉर्ज भारत की पहली महिला आई एस एना जॉर्ज भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला सीएम सुचिता कृपलानी ठीक है और भारत की पहली महिला आई एस एना जॉर्ज भारत की पहली महिला आई आई पी एस करण वेदी सो ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो एक होता है अटर्नी जनरल और दूसरा होता है याद रखिएगा एडवोकेट जनरल तो देखो दो आपको पूछे जाते हैं अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल तो अटर्नी जनरल की अगर मैं बात करने जाऊँ तो सेवेंटी सिक्स है और एडवोकेट की बात करने जाऊँ तो वन सिक्सटी 5 है ठीक है 165 है ठीक है अगला क्वेश्चन है हाँ वर्तमान में आपके के के वेणुगोपाल राव हैं और सबसे पहले थे वो दैट वाज द एम सी सेटालवार ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार है ना सरयू के किनारे तो अयोध्या है यमुना कानपुर ठीक है सो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री आगरा कानपुर यमुना के किनारे ठीक है आगरा सॉरी आगरा यमुना के किनारे आगरा हो गया मथुरा हो गया ये सब यमुना के किनारे ही है कानपुर तो गंगा ठीक है अगला क्वेश्चन है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज डिफाइंड विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग हाँ लखनऊ गोमती हम्म hmm. यस <laughs> yes, ये कार्निवल के चक्कर में बिल्कुल आपकी मतलब रेस्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है चौबीस घंटे से भी ज्यादा ऊपर का ये कार्निवल चल रहा है बैक टू बैक क्लासेस है तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है एमू पिकॉक सुतुर्मुर्ग या फिर अल्बाट्रोस सो लार्जेस्ट वर्ल्ड बर्ड पूछी गई है वर्ल्ड की और आई होप कि सभी जानते हैं कि इसमें कौन है सुतुर्मुर्ग ऑस्ट्रिच इज द राइट आंसर ठीक है भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद नियमित रूप से की जाती है तो सबसे पहला जो सेंसस किया गया था फर्स्ट सेंसस कि आई होप कि आपको माल जा, जानकारी हो ये किया गया था 1872 में बाय लॉर्ड मायो तो लॉर्ड मायो के समय में किया गया था और उसके बाद लगातार लगातार लगाता चल रहा है तो जो लास्ट हुआ था 2011 हजार तो और वर्तमान में हो रहा है 2021 ठीक है तो सही आंसर ऑप्शन थ्री टेन इयर्स ठीक है तो गाइस ये था आज अच्छा का सेशन और बाकी जो टेस्ट बुक का आपका चल रहा है ये कार्निवल इस कार्निवल को जरूर अटेंड करिए 38,000 से ज्यादा लोग हैं जो अभी तक जुड़ चुके हैं बेहतरीन तरीके से जुड़िए पढ़िए बाकी मेरे सेशंस के जो पी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एट द रेट टेक्स बुक और इस शेड्यूल को फॉलो करते रहिए ठीक है ठीके? आपका 3 पीएम पर अभी मास्टर क्लास है आज हम लोग मास्टर क्लास में फेमस पर्सन इन न्यूज पढ़ने वाले हैं और याद रखिएगा कि आज के इस मास्टर क्लास में आपके पास मौका रहेगा जो भी टॉप फाइव कैंडिडेट रहेंगे उनको अमेजिंग प्राइज और गिफ्ट ऑफर दिए जाएंगे ठीक है सो आज की क्लास में जरूर अट जुड़े और बाकी जिन्होंने अभी भी टेक्स बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज को इनरोल नहीं किया है सो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि टेक्स बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और इनरोल करना बहुत ही सिंपल है आई होप कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सेशन गोइंग ऑन है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और येस इस पर क्लिक करेंगे सो मोर वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको टेक्सट बुक सुपर कोचिंग तो इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा तो आप किसी भी अपने बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं डीआरडीओ टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज सभी की तैयारी कर सकते हैं ठीक है साथ में डाउट सेशन डिस्कशन सेशन रिविजन और पी भी इंक्लूडेड है ठीक है और इसके लिए आपको किसी एक प्लान को इनरॉल करना होगा जो तो चौबीस महीने हुआ बारह महीने छः महीने तीन महीने किसी एक प्लान को सिलेक्ट करिए और अप्लाई कूपन कोड में जाइए और जब अप्लाई कूपन कोड में अप्लाई करेंगे तो यूज़ द कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और इसको अप्लाई करेंगे तो याद रखेगा ये जो कोर्स हैं ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएंगे और ट्वेंटी परसेंट से भी ज़्यादा का आपको इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है so सो चलिए चलेगा ये था आज का सेशन मिलते हैं हम लोग तीन बजे मास्टर क्लास में तब तक दुआ में याद रखेगा और ये कार्निवल नहीं भूलना है कार्निवल गोइंग ऑन है आज और कल तो वेरियस वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए और ज्यादा से ज्यादा अमेजिंग ऑफर्स पाइए अपने दोस्तों को भी इनरोल कीजिए ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज बाय बाय टेक केयर एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच